नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केवीएस एग्जाम में आज के दिन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन, और वो भी जीके के। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन, किसको साहित्य में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? तो चार ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से अमर्त्य सेन एक ऐसे थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। इससे करंट अफेयर से संबंधित एक क्वेश्चन था दोस्तों, उसका शुभारंभ कहाँ हुआ ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो यूपी की सीमा यानी उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से व एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, यानी कि स्पर्श करती है, टच करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भिन्न है राजधानी से आया था? दोस्तों क्वेश्चन इसमें राजधानियां दी गई थी, एक अलग दिया गया था। तो न्यूयॉर्क आपको पता है कि अमेरिका का एक शहर है, राजधानी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार उस क्वेश्चन का आंसर यह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों, शुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच होते हैं? तो शुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति इन दो ग्रहों के बीच में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की भाषा कौन सी है? तो दिल्ली सल्तनत की भाषा है फारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, 2017 में नडाल और फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते? दो दो ग्रैंड स्लैम नडाल और फेडरर ने जीते थे। तो दोस्तों करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और आप यदि हमारी मदद करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि इन क्वेश्चनों को यानी कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने आज एग्जाम दिया है उनको पता चल सके कि इन क्वेश्चनों के आंसर क्या हैं, और जिनका एग्जाम आने वाली डेट में है उनको पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन